नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं BDO ऑफिस। हमारे साथ ग्रामीण खड़े हैं। कौन से गांव से आए हैं आप लोग? जसाना गांव से आए हैं। जसाना गांव से आए हैं, क्या है मामला? मामला एक ग्राम पंचायत का चुनाव। नाम बताएं पहले तो आप। मैं नरेंद्र नगर, गांव जसाना। मेरा ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे अभी 25 नवंबर को अपने जिले में, तीसरे चरण में। उसमें जसाने से 3 उम्मीदवार थे, रेखा पत्नी मनोहर, सीमा पत्नी दीपक, नेहा पुत्री नरेंद्र नगर, जिसमें रेखा नागर को विजय घोषित किया गया। वोटों के अनुसार वो जीती, गांव में जीत के चले गए। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कानून निर्धारित किए गए थे कि जनरल उम्मीदवार के लिए, जेंट्स के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेडीज़ के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें अपने अपने कागजात हमने फाइल में लगाए। चुनाव संपूर्ण हो गया, शांतिपूर्ण हो गया, प्रशासन की मदद से। हमने प्रशासन का सहयोग किया, प्रशासन ने हमारा ग्राम नियोजक सहयोग किया। उसके संपन्न होने के बाद में हमें अंदेशा हुआ कि रेखा के जो फर्जी कागज, वो मार्कशीट है 8वीं पास की, वो फर्जी है, जिसको मथुरा से बनवाया गया, इंटर कॉलेज पंडित केसीराम इंटर कॉलेज से जारी किया गया। उसकी जांच हमने उपायुक्त महोदय के यहाँ जगह 28-30-11 को हमने जिला उपायुक्त के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र दिया कि हम अंदेशा है कि मार्कशीट जाली है, फर्जी है, इसकी जाँच कराई जाए। उन्होंने अपनी जाँच को अधीन अधिकारियों के पास भेज दिया, जो BDO ऑफिस में उसमें विचाराधीन चल रही है, जिसमें सारी रिपोर्टें आ गई हैं। जिला शिक्षा निरीक्षक मथुरा की रिपोर्ट भी आ गई है, इंटर कॉलेज केसीराम की भी आ गई है, सारी रिपोर्टें आ गई हैं। क्या कहती हैं रिपोर्टें? रिपोर्टें ये कहती हैं, रिपोर्ट में मेरे पास वो रिकॉर्ड है, आप चाहो तो मैं आपको छाया प्रति उपलब्ध करा दूंगा। जिला शिक्षा अधिकारी मथुरा ने घोषित करके बता दें सर, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या कहती है? आप इसकी छाया प्रति लेनी चाहो ले लो। ये देख सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा सेवा में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद को लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। ग्राम पंचायत जसाना जिला फरीदाबाद के सरपंच पद के उम्मीदवार श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोहर लाल के फर्जी मार्कशीट एवं TC चेक करवाने के संबंध में वो बता रहे हैं कि आपने ऐसा पत्र भेजकर रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है। अवगत कराना है कि आपके पत्र नंबर संलग्न स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC पंडित केशी राम इंटर कॉलेज मथुरा द्वारा निर्गत मोहर लगी हुई है। अधो हस्ताक्षरी द्वारा उक्त विद्यालय से SR में 7880 से संबंधित SR एवं उपस्थित पंजिका की जांच हेतु अभिलेख की मांग की गई। अवगत कराना है कि विद्यालय पंडित केशी राम ईश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज खायरा छाता मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 26/12/2022 के द्वारा अवगत कराया है कि रेखा पुत्री श्री बंतो माता श्रीमती संतो द्वारा कक्षा 6 से 8 तक कभी इस विद्यालय में अध्ययन कार्य नहीं किया गया है। उक्त TC फर्जी है, पत्र की छाया प्रति संलग्न है। जी, ये वाली ये आपने RTI से जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि ये जो छात्रा है, क्या नाम है, शर्मा पढ़ रही है इसमें। ये पूरा ले आप, ये आप पूरा पढ़िए। हाँ, राधा शर्मा की नहीं, कौन है राधा शर्मा? कौन है ये जो, सुनो एक मिनट रुको ना, यहाँ सारा है। राधा शर्मा के लिए, राधा शर्मा आप भी पढ़ रही हो। ये 7780 नंबर है जी, जो TC वहाँ से कटी है, 7780 7780 पे जो छात्र रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण प्रमाण पत्र है ना, वो रेखा नहीं है, राधा शर्मा है जो एक, ये रेखा एक गुजर जाति से, राधा शर्मा है जो पंडित जाति से बिलोंग करती है, और आज वो जो 10th क्लास में दिखा रहे हैं 2021 में, गोट 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 दिखा रहे हैं 6ठी से 8ठी तक, कोई जिसका की रेखा की ये जिला, ये चिट्ठी भेज दिए जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा ने, जो आपने अभी पढ़ के सुनाई जी, इसके बाद में। और ये जो रेखा ने लगाई है जी अपने, और ये जो रेखा की ओर से लगाया गया जो ये सब प्रश्न जी, ये कागज है, ये लगाया हुआ है, ये लगाया है जो चुनाव लड़ने के लिए उसने अपनी फाइल। ये तो चिट्ठी आ गई, ये पाया गया कि फर्जी है। तो अब क्या कार्रवाई? अभी तक जो हम BDO ऑफिस में पहुंचे हैं, तो जो BDO साहब के नीचे जो अधिकारी हैं, जो मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा है कि BDO साहब जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद में हम जो अपना जांच रिपोर्ट SDM बडकल को भेज देंगे,
और वो अपना निर्णय लेंगे। ब्लॉक बीडीओ साहब हम मिले नहीं, हमने कई बीडीओ साहब को मिलेंगे आप, फिर इन्होंने जवाब दिया कि और ब्लॉक आप बल्लभगढ़ मिल लीजिए, उन दो जगह का चार्ज कल मिलेंगे आपको, तो हम ब्लॉक में मिलेंगे। कल मिल के गए थे, उन्होंने आज के लिए बोला था आज इसे SDM साहब के लिए आगे फॉरवर्ड कर देंगे फाइल को, अभी मना कर रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? ये कल लेटर देके गए हैं वो अपने बयान जी, मनोहर रेखा ब्लॉक वाले ने जो दिया बयान, श्रीमती रेखा सरपंच ग्राम पंचायत जसाना, बयान में बयान करती हूँ कि प्राथमिक शिक्षा दीपक पब्लिक स्कूल सहार से पढ़ी हूँ और 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक पंडित केसी राम इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ, जिसका लेटर हेड प्रस्तुत कर रही हूँ। जो भी मेरा सर्टिफिकेट है वो असली है, जो भी हम पर आरोप लगे हुए हैं वो बेबुनियादी हैं। मैं अपने असली दस्तावेज की कॉपी पेश कर रही हूँ, इन दस्तावेजों की जांच कराई जाए। अच्छा, अब इसमें पीछे फॉरवर्ड कीजिए, ये पेपर सारे देखे गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ से ये लगा दिया, इसमें बी लिखवा दिया जी, ये सीरियल नंबर में बी फॉर जुड़वा दिया और 19-1 में कटी है ये TC। ये दिखा रही है असली 19-1 में कटी हुई है, नहीं 19-1 की तो ये चिट्ठी है ना, चिट्ठी लेके आए 7780B करा दिया। अब इसमें ये 7780 रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना उसको 7780B लिखा दिया यहाँ पर, ये रेखा का है ना ये 7780, हाँ ये बी प्लस कर दिया इसमें, अब ये 7780B हो गया है, बी हो गया इसमें, बी कर दिया इसमें, बी कर दिया पीछे। अच्छा, तो ऐसे वहाँ ABC के नाम से भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ पे? नहीं मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, होता ही नहीं जैसे नहीं मतलब जैसे 80 के बाद 81 ना आए, 80A आ जाए, 80B आ जाए। देखो जी मतलब हम तो नहीं जानते ना वहाँ के बारे में, ये भी नहीं आता, अब ये बी है। और इसमें लास्ट वाले पेपर में ये जो मार्कशीट लगाई है इसमें 7780 छोड़ दिया उन्होंने, बी लगाना भूल गए। ये जो मार्कशीट बना के दिया है जो कल दिया है कल दे के गए, आप 420 दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं क्या? 420 सरासर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते, 467-468 जांच की तो रिपोर्ट आ गई, कागज आ गई, लेकिन इस पे कार्रवाई तो नहीं हो रही है। हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, एक महीने से हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन तो पहले आ गई इनके पास रिपोर्ट, पहले आ गई, एक डॉग चोरी भी होगी सेक्टर 16 से, सरपंच साहब ने जो सरपंच रेखा मनोहर सरपंच जसाना से जो बने हैं उन्होंने दो डॉग मैन से मिलके एक डॉग को चोरी किया है, सरकारी डॉग को सेक्टर 16 से, जिसकी FIR हुई पड़ी है, FIR हो रखी है, डॉग भी चोरी हो गई, चोरी हो गई, अरे बाबा रे, डॉग की यदि हुई और CP ऑफिस भी लगी और डाक की चोरी की भी FIR दर्ज हुई है, पोस्टमैन धर्मपाल ने कराई हुई है जी ये, और एक क्या नाम है उसका रामवीर उन गुलावत से उन्होंने की हुई है, हमने ये पोस्ट ऑफिस में ये कंप्लेंट दी थी उसमें पता चला ये चोरी हो चुकी है तुम्हारी डाक, फुटेज में वो पोस्टमैन आए, फिर मनोहर का नाम भी है पोस्ट ऑफिस में सारी चीज लिखी हुई है और CP ऑफिस पोस्टमैन ने अपनी कंप्लेंट भी दर्ज की हुई है जी, आज तक उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये जो कंप्लेंट दी गई है इस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ जी। फरीदाबाद आप देखें, पिक्चर की सी कहानी है कि जहां कहीं से सबूत आपके हाथ आते हो जी, वो जो उन्होंने कंप्लेंट कराई है 3 दिन के वेट पे जो ना जो किसी कहानी है, जहां से कागज आते हो जहां जहां पहुंचते हो वहां सब जगह मैनेज किया जाए। Drishyam 2 देखी होगी आपने, डेड बॉडी को कैसे गायब किया गया वो भी आपने देखा होगा, लगभग वैसी ही ये कहानी है और पिक्चर की सी कहानी है जी, फिल्म में देखे है ना जी, वही कहानी बनाई है, वही कहानी है। हाँ जी, एक एक चीज को, एक एक कागज को, एक एक दस्तावेज को किस तरह से और इस कागज के हिसाब से रेखा जी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और मालिक है उसको, भाजी इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 100 में से 66, 100 में से 60 हैं। उसको मालिक है जो ज्यादा टेस्टमेंट है, वे डीलर है, वे यही काम करता है। 1200 में से 725 नंबर आ गए हैं, अब ये भी तो देखो ना, 1200 में से 725 जो पोस्ट मैंने CP ऑफिस में दी है उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उसको आप इसको एक बार देखिए, हमारे पास ये फोन है, आप इसको डिटेल करके इसको करिए, कौन डॉग को ले गया, क्या क्या है इसमें सारा लिखा हुआ है। श्रीमान पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सेक्टर 81, अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताकर सरकारी डाक आर्टिकल नंबर RU 41934864IN
धोखे से ले जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, मैं राजवीर पुत्र स्वर्गीय बाबूराम गांव गुलावत का रहने वाला हूं। अच्छा फरीदाबाद, इन दिनों एक और बड़ी समस्या आ रही है कि सरकारी कर्मचारी पहले तो मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज बना देते हैं या जो दोषी हैं उनकी मदद करते हैं, बाद में जब देखते हैं कि हम लोग कहीं से घिर रहे हैं तो फिर पुलिस को ऐसी दरखास्तें देते हैं। कल भी हम एक मामला देख रहे थे सेक्टर 31 में, एक मकान जो प्लॉट हुड्डा ने रिज्यूम कर रखा था उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब कर्मचारियों को कहा गया कि आपने यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा दी, नक्शा पास कर दिया इसका रिज्यूम प्लॉट का, तो उन्होंने जाके पुलिस को एक एप्लीकेशन दे दी कि जी हमारी तो ये जो पूरा मामला है इस मामले में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए जिन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक वैसा ही एक मामला है। आप ये बताएं, जब कोई सरकारी कर्मचारी डाकिए को, क्या ये अधिकार है किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई डाक पकड़ा दे? नहीं। क्या ये डाकिए को अधिकार है? नहीं। कोई भी सरकारी कर्मचारी आए, आने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी कहे, इवन डिप्टी कमिश्नर भी कहे कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ ये डाक मुझे दे दो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। वो बाकायदा कोई चिट्ठी देगा, कोई लिखित में आदेश देगा, और आदेश देने के बाद उसको वो डाक पकड़ाई जाएगी, उसके सुपुर्द की जाएगी। इवन पुलिस भी कई बार होता है जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनकी जो डाक आती है उस डाक की छानबीन के लिए पुलिस भी, लेकिन पुलिस भी वहाँ अपनी पहचान सिद्ध करती है, वहाँ बताती है कौन से विभाग से आए हैं और उन्हें किस मुकदमे में इस डाक की आवश्यकता है। लेकिन ये जो मामला है, ये अब डाकिए जी की जो चिट्ठी है उससे ये सब प्रतीत होता है जैसा वो बता रहे हैं कि अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताकर मेरे को धोखे से मेरे से ये चिट्ठी लेकर चले गए। पोस्टमैन भी जो है ना, जो धर्मपाल नाम का पोस्टमैन है, वो हमारे क्षेत्र का पोस्टमैन जसाना पोस्ट ऑफिस बदरपुर शायद, और जो गुलावत का है रामवीर नाम का जो मुलाजिम है पोस्ट ऑफिस में, वो सेक्टर 16 में ऑन ड्यूटी है। तो ये सेक्टर 16 से वो डॉक जो बीडीओ ऑफिस के लिए आ रही थी जिला शिक्षा अधिकारी मथुरा की सरकारी जांच, जो यहाँ से बीडीओ साहब ने भेजी भाई हमको इसकी जांच करके रिपोर्ट करें, उन्होंने अपनी डाक भेज दी। आर्टिकल नंबर कहाँ से लिया, कैसे लिया, किस वजह से, जो पति है सरपंच साहब का, वो उस डाक को धनपाल के सहयोग से ली कैसे नहीं ली, लिफाफा उनको वापस देगा और उस डॉग को लेकर के एक सप्ताह के लिए फरार हो गया। उसके बाद में जो कल उसने जवाब दिया, यहाँ पर जवाब के लिए 3 दिन का नोटिस जारी कर दिया बीडीओ साहब ने कि आप फर्जी पाए गए, आप 3 दिन में अपना बयान दर्ज कराऊँ यहाँ आके, सरपंच साहब चुने हुए सरपंच, अपना बयान दर्ज कराऊँ। जो उन्होंने बयान दर्ज कराए तो उसमें कह रहे हैं कि ये टीसी हमारी 7780 नहीं थी जो हमने यहाँ पेश कर दी, 7780B थी वो, 7780B थी, जबकि जो नॉमिनेशन करा उसमें 7780 दे दी। 7780 जो है यहाँ जो फाइल जमा है वो ऑनलाइन हो चुकी है, उसमें कोई फर्जीबाजी कर हो भी नहीं सकती, वो ऑनलाइन ऑलरेडी जब नामांकन भरे गए चुनाव चिन्ह मिलने से पहले ऑनलाइन कर दी गई थी। अब यहाँ पे भी कोई रद्दोबदल फाइल के अंदर नहीं कर सकता उसको, हम विलंब होने के कारण आप पूरा गांव इकट्ठा है, तो पूरा गांव के जो पूरा गांव है आपके सामने लोग पहुंचे हैं, हम विलंब होने के कारण आज हम बीडीओ ऑफिस बीडीओ साहब से मिलना है, बीडीओ साहब है नहीं, वो बल्लभगढ़ दो चार्ज ले रहे हैं तो बल्लभगढ़ बैठते हैं आधी टाइम, तो हम उपायुक्त महोदय से फिर दोबारा से प्रार्थना पत्र देंगे और उनके संज्ञान में ले आएंगे इस चीज़ को, क्योंकि पूरा जिला देखते हैं वो अधिष्ठ अधिकारी काम करते हैं ज़्यादातर, तो हम उनसे दोबारा मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस पर जाँच करके शिकायतकर्ता को उसका हक दिलाया जाए, जांच का उसको निष्पक्ष जांच करके। तो फरीदाबाद, पूरा मामला आपने सुना और समझा, और हमारा बड़ा सवाल है कि क्या रेखा सरपंच जो निर्वाचित हुई जसाना की, वो इतनी ही इंटेलिजेंट हैं कि उनके पास 725 नंबर आए उनके 1200 में से, इसकी जांच के लिए जो चिट्ठी भेजी गई, जो मथुरा चिट्ठी भेजी गई, वो चिट्ठी जैसा ये दिखा रहे हैं वो फर्जी पाई गई, ऐसी कोई मार्कशीट वहाँ से जारी नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी जो सफाई यहाँ दी है, उन्होंने बताया है कि जो मार्कशीट दी गई या जो डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन में फाइल किया था वो 7780 नहीं है, 7780B है, तो वो तो दस्तावेज तो उसके पीछे बी तो नहीं लिखा हुआ, उस टाइम भी नहीं था 7780 नहीं था जो नॉमिनेशन के टाइम पे। तो सारा सिस्टम बदला हुआ है, अब सारा सिस्टम बदला हुआ है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, पहले खाली टीसी थी,
जो अपने दिया ना यहाँ पर, जो अपना तीन दिन के अंदर जो इनको अपना वो देना था ना, बयान दर्ज कराने थे, उसमें कह रहे हैं कि 70-80 नहीं है हमारा, हमारा 70-80 बी है। बी है और फरीदाबाद, और लेकिन जो मार्कशीट दी है उसमें मार्कशीट में बी नहीं है कहीं भी, बी कहीं भी नहीं है, है? और ये मार्कशीट वो बता, कल की तारीख में जारी हुई है मार्कशीट, है यहाँ पे कल की डेट में देखे गए, 19 तारीख को आई है कल। अच्छा, 19 तारीख को इनके पास आई है। ये कि अब हमारी जो पहली मार्कशीट थी, उनका ये कहना है कि जो हमारी पहली मार्कशीट थी वो हमारी नहीं है, हम जो अब लगा रहे हैं कल की डेट में 23/1/2023 को, उसको वो अपना बता रहे हैं। और इसमें भी एक कहानी रही है कि जो ये बयान लिखा गया है, कल सरपंच साहब और उनकी घरवाली आई, साथ में एक मेंबर भी था गांव जसाणे से, कपिल बडाना, उसकी घरवाली थी। अगर रेखा सरपंच के 1200 में से 725 नंबर आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बशर्ते उसने ये कंप्लेंट लिख के नहीं दी, ये कपिल बडाना की घरवाली जो अब मेंबर है फिलहाल हेमा, उसने इसको लिखा, और कपिल बडाना ने आपको बताया कि उस ऑफिस वालों को बताया कि मैं डीसी ऑफिस से आया हूँ, डीसी ऑफिस वालों से मेरी जानकारी है, और मेरे दो स्कूल हैं, यहाँ आके रौफ जमाया, और अपनी घरवाली से ये बयान लिखवाया उसने। ये सरपंच ने नहीं लिखा, रेखा ने नहीं लिखा, ये लिखा है कपिल भडाना। चलो हाँ जी, ये इसमें स्टेनोग्राफर कोई भी हो जाए, लेकिन जो दस्तखत हैं, अगर रेखा इतनी इंटेलिजेंट है तो फिर वो खुद क्यों नहीं लिखती? ये तो रेखा ने कर दी है, लेकिन ये जो बयान लिखे है किसी अन्य व्यक्ति ने, ये कन्फर्म नहीं है किसने लिखा है। उन्होंने जो लिखा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे हमको जो हमने दे रखा ना जांच के लिए, उसको जांच हो चुकी है पूरी, उसमें कार्रवाई करके उसको पद से हटाया जाए। जो पेपर कल सबमिट किया उसमें भी पूरे पेपर नहीं मिल रहे ना, उसमें अब पूरी चेन फंसी, आप देखें फरीदाबाद, पूरी चेन फंसी है, डाकिया भी इसमें शामिल हैं, वहाँ उस स्तर पर भी इसको मैनेज करने की कोशिश हुई, फिर अब जो जहाँ से ये दस्तावेज बने वो सब लोग इसमें शामिल हैं, क्या वाकई ये मथुरा तक गए तो वहाँ कौन कौन लोग हैं, उस स्कूल के, उस इंस्टीट्यूशन के कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।